जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बड़ी प्यारी सी डिजाइन लेके आई हूँ। ये हम एक कलर में बनाते हैं, एक रंग की डिजाइन है और ये हमारी डिजाइन दो सिलाई में कंप्लीट हो जाती है, जो बनने के बाद बड़ी प्यारी लगती है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर 2 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और उसके अलावा एक फंदा एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे हमने 32 फंदे डाले तो हम एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारे 33 फंदे, इसमें मैंने 33 फंदे डाले। एक फंदा मैं अपनी डिजाइन के लिए रखती हूँ जिससे हमारे दोनों तरफ से डिजाइन बिल्कुल सही आए, इसलिए मैं एक फंदा एक्स्ट्रा रखती हूँ। बीच में हमें डिजाइन बनेगी जो दो के मल्टीपल में हमारे फंदों में बनती है। इस तरह से हम ये डिजाइन बनाते हैं। तो जिस तरह से आप पहले अपने किसी प्रोजेक्ट में आप बॉर्डर बनाना चाहें उस तरह बॉर्डर बना लेंगे। तो शुरू में मैं इसमें बॉर्डर बना लेती हूँ एक सिलाई, तो आप अपना इस तरह से बनाते हुए बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसकी उल्टी सिलाई में आएंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो ये पहली सिलाई हम अपने बॉर्डर की निकालते हैं। इसमें मेरे 33 फंदे हैं, मैंने इसकी बॉर्डर की रो कंप्लीट कर ली। जिस तरह से आप अपनी बॉर्डर में बनाएंगे तो उसमें आगे की बॉर्डर की रो बना लेंगे, फिर उल्टी रो के अंदर हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। तो ये पूरी मैं उल्टी सिलाई निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने अपनी उल्टी सिलाई भी निकाल ली। अब हम अपने डिजाइन की फर्स्ट रो निकालेंगे। ये हमारी 2 रो का ही डिजाइन है तो फर्स्ट रो हम निकालते हैं। तो पहला फंदा मैं उतारती हूँ, दूसरा फंदा मैं सीधा बनाती हूँ। अब आगे अपनी ऊन को इस तरह आगे लेंगे और आगे के 2 फंदों को हम एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे जिसे हम सीधा बनाएंगे। तो ऊन को आगे लेने से इस तरह इसमें जाली पड़ जाती है। तो जाली बनने से हमारे 2 का 1 हो गया, एक जाली बन गई, तो हमारे फंदे घटे नहीं। वापस से ऊन को आगे लेंगे, फिर अपने 2 फंदों को हम एक करेंगे और फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारी पूरी रो निकलेगी। उनको आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे और एक फंदा बना लें। हमारा कोई फंदा नहीं घटता क्योंकि साथ में हमारे जाली बन रही है। उनको आगे करते हैं, फिर हम 2 का 1 बनाते हैं। इस तरह से हमारी ये पूरी रो निकलती है। उनको आगे करके 2 फंदों को हम एक बनाते हैं। ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है। अब सेकेंड रो में हमारी पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी, इसी में हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है। इस तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। उनको आगे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर उनको आगे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में भी उनको आगे करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। पहला फंदा तो मैं उतारती हूँ और पूरी सिलाई को मैं उल्टा बनाती हूँ। जाली वाले फंदे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलती है। तो ये उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट करके लाती हूँ। वापस से मैं अपनी सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई में भी हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाइयों की हमारी डिजाइन है। अब वापस से हम ये डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हम उतारते हैं, दूसरा फंदा हम सीधा बनाते हैं, वापस से हम ऊन को आगे लेंगे और वापस से हम 2 का 1 करेंगे, फिर ऊन को आगे लेंगे, फिर हम 2 फंदों का 1 करेंगे और सीधा बनाएंगे फंदा। इस तरह से हमारी सीधी सिलाइयाँ तो इसी तरह से निकलेंगी सभी हमारी पूरी डिजाइन में, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। इस तरह हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है। तो मैं आपको इसकी कुछ सिलाइयाँ निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी डिजाइन की कुछ सिलाइयाँ निकाल ली हैं। बनने के बाद हमारी डिजाइन बड़ी प्यारी लगती है, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।